हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अली। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज हम लोहे का एक टेबल बनाए और यहाँ रैक बनाए जिसमें हम अल्मोनियम का काम करेंगे। तो 1.5 इंच बाई 1.5 इंच स्क्वायर में पाइप में यह टेबल बनाए। देखिए, इसको नीचे से हम पूरे बैंड नीचे से लगाए ताकि इसमें हम स्लाइड इन डोर और ओपन ओवर डोर लगा सकते। अंदर कुछ हार्डवेयर रखना है तो रख ले सकते। उसी तरह जो हमारे 16 फिट के जो लेंथ आएंगे अल्मोनियम के, उसके लिए हम 3 रैक बनाए। इस पर छोटे टुकड़े भी डाल ले सकते और बड़े लेंथा भी डाल ले सकते। ये भी 1.5 इंच बाई 1.5 इंच का पाइप है। और यहाँ पे देखिए, एक टेबल बनाए लोहे का 1 इंच के एंगल में 9 mm का रॉड लगा के। और ये एक डिस्प्ले के लिए ग्रिल बनाए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 इंच एंगल और वेलमिश में पूरी ग्रिल बनाए डिस्प्ले पे मिरर्स लगाने के लिए नीचे का मतलब। और ये पानी जाने के लिए देखिए, यहाँ पे भी जो गाला था उसमें भी हम ये पूरे 1 इंच के एंगल में वेलमिश 1x1 की वेलमिश 9 mm का रॉड लगा के पूरी ग्रिल बनाए। देखिए तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ काम हमारे से कराना है या और हमारे से कुछ जानना चाह रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। अब इधर से काटो, उसमें 3-3 फीट के एड़ा निकलते हैं। ओ साइडा निकलते हैं। देखिए दोस्तों, टेबल के लिए जो हम फ्रेम बना रहे हैं इसकी कटिंग हमारी हो गई 1.5 इंच बाई 1.5 इंच का 16 गेज का ये पाइप है। ये फ्रेम बना दिया हम। अब इसको पूरा वेल्डिंग करके इसके पैरा बना के हम इसको फिटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जो फ्रेम है टेबल का कंप्लीट हो गए। उसके ये नीचे के साइड ये जो दो देख रहे हैं आप, ये दो पैरा हैं इसके। यहाँ पे देखिए, ये जो हिस्सा है नीचे आएगा। नीचे हम इसको इसलिए लगा रहे कि हम इसको तीनों साइड से, एक साइड तो दीवार आ जाएंगी, ये दीवार के तरफ बैठ रहा, तो नीचे हम इसलिए पूरा लगा पाइप ये। एक साइड दीवार आएंगी और 3 साइड हम इसको हमारा ओपनेबल डोर और स्लाइडिंग डोर लगा रहे, ताकि हमारे पास जो कस्टमर आएंगे उनको हम सैंपल भी बताएंगे कि स्लाइडिंग डोर ओपनेबल डोर ऐसा रहता, और इसके अंदर हम हमारा हार्डवेयर भी रख ले सकते। तो इसकी फिटिंग आगे पूरा कंप्लीट करने के बाद भी बताऊंगा मैं, वीडियो को पूरा देखिए। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। देखिए अभी खड़े सपोर्ट आ रहे हैं।